नमस्कार, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा अमेज़ के एस एडिशन के बारे में। तो 13 महीनों में होंडा अमेज़ के 1,00,000 यूनिट बिक चुके हैं और इसी खुशी में होंडा ने होंडा अमेज़ का एस एडिशन निकाला है जिसमें कुछ अपग्रेड्स करे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो अपग्रेड्स बताऊँगा और साथ ही मैं उनका ऑन रोड प्राइस बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले स्टाइलिंग की बात करी जाए तो इसमें आपको ब्लैक फिनिश्ड एलॉय व्हील्स मिलते हैं, साथ ही में आपको बूट लिड माउंटेड स्पॉइलर मिलता है, डोर वाइजर्स मिलते हैं, ट्रिम बिट्स मिलते हैं डोर्स पे और बूट लिड पे एस एडिशन की बैजिंग मिलती है। तो देखा जाए तो सिर्फ दो ही काम की चीज़ें हैं, एक तो ब्लैक फिनिश एलॉय व्हील्स, दूसरा बूट लिड माउंटेड स्पॉइलर। बाकी डोर वाइजर्स, एस की बैजिंग या ट्रिम बिट्स ऑन डोर, ये किसी काम की चीज़ नहीं है। और एक और बात, एस एडिशन की सिर्फ 840 यूनिट्स से आएंगी और जो कलर्स अवेलेबल होंगे वो होंगे रेड, सिल्वर और वाइट। और ये जो सारे चेंजेस हैं ये टॉप मॉडल में ही किए गए हैं, तो अगर आप बेस मॉडल या बेस से एक ऊपर वाला मॉडल में एस एडिशन खरीदना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। एस एडिशन आपको सिर्फ टॉप मॉडल में ही मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। जो मैं आपको प्राइजेस बताने लगा हूँ वो एक्स शोरूम प्राइजेस हैं। तो हम पेट्रोल वेरिएंट के मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करें तो वो है 7.89 लाख, पेट्रोल वेरिएंट के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करें तो वो है 8.72 लाख, वहीं पर हम डीजल वेरिएंट की मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करें तो वो आपको पड़ेगी 8.99 लाख और डीजल वेरिएंट की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको पड़ेगी 9.72 लाख की। तो अगर प्राइस डिफरेंस की बात करी जाए तो अगर आपको एस एडिशन लेना है तो आपको टॉप मॉडल से अराउंड 20 से 25 हज़ार रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। हर वेरिएंट का अलग अलग है बट ऑन एन एवरेज आपको 22 हज़ार रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे एस एडिशन के लिए। तो ये था होंडा अमेज़ का एस एडिशन। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो मेरी मोटिवेशन के लिए प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता तो बस सोचेगा मत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जयराम जी की।